सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजवीर। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हो या आप एक साइबर कैफे चलाते हो और आप आधार एपीएस का वर्क करते हो, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और वो वर्क आप स्पाइस मनी के माध्यम से अगर आप करते हो, तो आज हम आपको बताएंगे कि बहुत ही आसानी से आप स्पाइस मनी के माध्यम से लोन ले सकते हो। अगर आपको पैसे की जरूरत है, जैसे अगर आपके घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है या आपको कोई और काम पड़ जाता है इमरजेंसी जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप स्पाइस मनी पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। ये लोन लेने का क्या प्रोसीजर है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्पाइस मनी पोर्टल को जो है लॉग इन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पोर्टल लॉग इन कर लेते हैं। हमारे आईडी पासवर्ड इसमें ऑलरेडी सेव है, तो इसको यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं। तो जैसे ही लॉग इन कर लोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस क्रॉस को यहाँ से दो तीन बार कट करके इसको हटा दें। तो चलिए हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे एक लोन सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी तरीके के लोन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो है पर्सनल लोन सैलरी पर भी है, बिजनेस लोन भी है, गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन भी है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हो होम लोन भी है, ऑटो लोन भी है, और जो है टू व्हीलर लोन भी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर भी लोन दे रहे हैं, और ये कमर्शियल व्हीकल पर भी लोन दे रहे हैं, और ट्रैक्टर पर भी लोन दे रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर पर्सनल लोन आपको दिखाने जा रहे हैं, पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। सैलरी पे तो सभी को लोन मिल जाता है, बट हम आपको विदाउट सैलरी पर्सनल लोन यहाँ पर लेके दिखाएंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको अपनी फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है। यहाँ पे आपकी मंथली इनकम चाहे 1,000 हो या 10,000 हो या 1,00,000 हो, जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आप जितनी भी इनकम है आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, यहाँ पे 50,000 चाहिए या 5,00,000 चाहिए या 1,00,000 चाहिए, जो भी चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक आपको डेमो के लिए 50,000 का यहाँ पे लेकर के दिखाते हैं। तो थोड़ा अमाउंट डाल देते हैं, और यहाँ पे आपको नीचे ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए ये सारी डिटेल हम आप यहाँ पे फिल कर देते हैं जल्दी से, और इसके बाद में इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक आपके सामने जो है कुछ एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कई सारी जो वेबसाइट है जो हमें लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, एक प्रीफर है, एक मनी व्यू है, इसके अलावा फेडरल बैंक भी है, बहुत सारी है। ये 3,00,000 का लोन दे रही है। तो यहाँ पे एक डेमो के लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाकी और भी बहुत सारी साइट हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। कोई भी फ्रॉड वाला लफड़ा यहाँ पे नहीं है, स्पाइस मनी के द्वारा लिया जा रहा है, तो यहाँ पे गारंटेड है कि आपके साथ में कुछ भी ऐसा वैसा गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पाइस मनी पोर्टल ने पहले ही सब कुछ वेरीफाई करके ही इस वाली वेबसाइट को जो है यहाँ पे एड किया होगा। तो किसी भी साइट से आप जो है यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ से लेके 48 मंथ तक की जो है आप ईएमआई बंधवा सकते हो इसमें। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद में फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन तेजवीर, 87,000 की जो है लिमिट यहाँ पे आ चुकी है, इतना लोन हम यहाँ से ले सकते हैं। ये ऑफर हमारे सामने जो है निकल करके आ चुका है। ईएमआई भी आप देख सकते हो 1.2 पैसा पर मंथ का जो है इंटरेस्ट इस पे लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम होता है। आप नॉर्मली कहीं से भी ब्याज पे पैसे लेते हो तो कोई 2% या 3% पे आपको देता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो 1.27% का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट आप पर लगने वाला है। और भी अगर आप इसकी डिटेल चेक से कर सकते हो, जैसे अगर कुछ अमाउंट अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप, ये आपको एक ग्रीन लाइन यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है, इसको इस साइड में आप खींचोगे तो आप ऑटोमेटिक ये अमाउंट कम हो जाएगा, और इसके साथ ही ईएमआई भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसको साइड में करके दिखा देते हैं आपको डेमो के लिए। ये देखो 70,000 करते ही ईएमआई भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, 3,800 रुपए की ईएमआई हो चुकी है, और कम करोगे तो ये देखो 3,200 रुपए की ईएमआई हो चुकी है।
इसी तरह से आप अपने आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना ही आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आपको व्यू लोन डिटेल में जाकर के एक चीज आपको नोट करनी है, जो फाइल चार्ज लगता है जब भी आप लोन लेते हो तो फाइल चार्ज जो लगता है वो कितना है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान है 708 रुपए का, इसको आप बंद कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, अब अभी आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 2550 रुपए प्लस 824 रुपए अदर्स चार्जेस यानी कि जीएसटी वगैरह जो होते हैं ये चार्जेस अभी भी आपसे लिए जाएंगे, यानी कि टोटल 56,626 ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जब आप 60,000 का लोन लोगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीड पे क्लिक, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड के हिसाब से आपको पूरा अपना एड्रेस फिल करना है और आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। हम लोन नहीं ले रहे हैं, ये वीडियो मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपके लिए बनाई है, आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।